हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे इस स्टेयर केस के बारे में, क्योंकि ये जो स्टेयर केस है इसमें ठेकेदार ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। तो देखिए, इस स्टेयर केस में ऐसी क्या खास बात है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो पर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम मकान का काम करवाते हैं तो इसमें जो स्टेयर केस होता है, जो सीढ़ी का एरिया होता है, ये बहुत ही पेचीदा मामला होता है। कई बार क्या होता है कि आपके पास जगह ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी जो ठेकेदार कहीं पे सीढ़ी का माप गड़बड़ा देता है, तो उस चक्कर में आपकी स्टेयर केस या सीढ़ी वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ठेकेदार ने क्या काम किया है। सबसे पहली बात तो है कि कम जगह में सीढ़ी हम सटीक तरीके से कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो से आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ठेकेदार का इस बात के लिए हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी। अब देखिए, थोड़ा सा हम अगर इस सीढ़ी में इसके टेक्निकल फॉर्म को समझ लेते हैं तो हमें और भी आसानी हो जाएगी कि इसमें जो है किस प्रकार का काम किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें जो स्टेप है जिस पे हम पैर जमाते हैं, उसकी जो चौड़ाई है, स्टेप की जो चौड़ाई है जहाँ पे हम पैर जमाएंगे, वो है 9 से 10 इंच की। तो ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है, ये इसमें बहुत ही परफेक्ट काम किया गया। यहाँ पे जो स्टेप की साइज़ है वो बहुत ही अच्छी दी गई है। अब इसमें जो आ जाता है आपका राइसर, यानी कि जो सीढ़ी का ये वाला हिस्सा है जो कि आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है, इसे बोला जाता है राइसर। तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है वो स्टैंडर्ड साइज़ होनी चाहिए आपकी 5 से 6 इंच, ताकि हर उम्र का व्यक्ति जो है सीढ़ी को आसानी से चढ़ सके और उसे जल्दी थकावट ना हो। तो यहाँ पे ये दो चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया। अब देखिए, इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो है लैंडर का, यानी कि जहाँ पे हम सीढ़ी पर जो पॉइंट होता है वहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा हम अपने आप को संभालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी में दो जगह लैंडर दिया गया है और इसकी जो साइज़ है वो है 3x3 की। तो यहाँ पे हमारी जो सीढ़ी की चौड़ाई है ऐसे में वो है 3 फिट की, और जो लैंडर इसमें दो दिए गए हैं वो है 3x3 के। अब देखिए, अगर आप इस सीढ़ी को नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो इसकी जगह जो है वो ज़्यादा नहीं है और इसे दो पार्ट में घुमाया गया, यानी कि दो जगह लैंडर देकर इसे ऊपर चढ़ाया गया। तो सबसे पहली बात तो जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी दिक्कत थी, इसलिए हम जो है सेकंड फ्लोर से आपको सीढ़ी के बारे में समझा रहे हैं। तो नीचे भी इसमें परफेक्ट जगह मिलती है, आप इसके जो नीचे की जगह है उसे लेड बात के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके जो लैंडर है उसकी, जो 3x3 के यहाँ पे दो लैंडर दिए गए हैं। अब इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है इसमें जो रेलिंग लगाई गई है वो। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, यहाँ पे जो रेलिंग लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। अगर आप 3 फिट की सीढ़ी बना रहे हैं और आप चाहते हैं, कई जगह क्या होता है कि हम जो रेलिंग लगाते हैं, अगर स्टील की रेलिंग लगाते हैं आप, तो उसे सीढ़ी के ऊपर लेते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और अगर आप जोड़ाई की रेलिंग लगाते हैं तो उसमें आपकी 4-6 इंच जो जगह है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाती है, और अगर आपने 3 फिट की सीढ़ी बनाई है तो वो 2.5 फिट की रह जाती है। लेकिन यहाँ पे जो रेलिंग लगाई गई है उसमें वाकई में तारीफ के काबिल काम किया गया है। अब देखिए वो कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सीढ़ी में रेलिंग लगाई गई है वो बिल्कुल साइड से लगाई गई है, यानी कि सीढ़ी की जो 3 फिट की जगह है उसे कहीं भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो रेलिंग लगाने में सबसे अच्छा काम तो ये किया गया है कि जो सीढ़ी का जो एरिया है वो बिल्कुल भी कम नहीं किया गया है, और जो रेलिंग का काम है वो भी पूरी तरीके से निपट गया है। तो यहाँ पे जो रेलिंग लगाने का तरीका है वो सबसे यूनिक तरीका है, और बहुत ही कम जगह में अगर आप सीढ़ी बना रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पे जिस प्रकार से रेलिंग लगाई गई है वो बहुत ही अच्छा है। अब इस वीडियो से एक जो इम्पोर्टेंट बात सीखने की है वो ये कि कम जगह में आप जो है सीढ़ी कैसे लेकर जाएँ, वो इस वीडियो से आपको सीखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके पास जगह बड़ी है तो भी कई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि वो जो है सीढ़ी कैसे चढ़ानी है, हमें लैंडर कहाँ पे देना है, सीढ़ी के टप्पे क्या साइज कहेंगे, इन सब चीज़ों में बहुत सी गलतियाँ करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप सीढ़ी बनवा लेते हैं तो कई जगह आपके जो टप्पे हैं, जो राइज़र है, उसकी हाइट या तो कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, और जो सीढ़ी के नीचे की जो जगह होती है वो भी वेस्ट हो जाती है। तो सीढ़ी के नीचे की जगह में जब भी आप स्टेयरकेस बनवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी जो नीचे की जगह होती है उसे आप टॉयलेट के लिए यूज़ कर सकें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।